नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड एक देवभूमि है, और देवभूमि में जो आपको पता है, यहाँ पे हमारे पास पांच प्रयाग है, पांच बद्री है, पांच केदार है। तो पांच बद्रियों में से एक बद्री मैं आपको आज लेके चलूँगा, वो बद्री है आदि बद्री। जैसे कि पाँच बद्री जो हमारे हैं, आदि बद्री, भविष्य बद्री हमारे हैं, विशाल बद्री, ध्यान बद्री। तो जो हमारे आदि बद्री है, सबसे प्राचीन बद्री है, और उसके बाद हमारे जो बद्रीनाथ जी हैं। तो आदि बद्री में जो हमारे भगवान विष्णु की एक प्रतिमा लगी हुई है, जैसे कि आदि बद्री के बारे में आपको मैं बता दूं, इसकी जो निर्माण हुआ था आदि बद्री का, वो लगभग 8 से और 11वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। और ऐसे भी मत है लोगों के बीच में कि ये जो मंदिर बनवाया था आदिगुरु शंकराचार्य जब यहाँ पे आए थे, और कुछ लोगों का कथन ये भी है कि जो ये मंदिर बना था ये कत्यूरी वंश ने बनाया था 8वीं से और 11वीं शताब्दी के बीच में। और आप आइए देखिए, बहुत ही सुंदर मनोरम, मैं आपको एक स्पिरिचुअल टूर पर ले चलता हूँ। यहाँ पे आदि बद्री का जो स्पेशली जब मैं आया हूँ, यहाँ पे एक नोटा कौथिक का मेला लगता है, जो कि जेठ मास के पहले जो सोमवार है उसको लगता है, हर साल ये लगता है। इस साल जो लगा ये लगभग 2 साल बाद लग रहा है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। यहाँ के लोगों की क्या मान्यताएँ हैं और कैसे कैसे ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, पूरा कल्चर मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा आगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो यह है श्री आदि नारायण आदि बद्री मंदिर का मुख्य द्वार। देख सकते हो आप, जैसे कि आदि बद्री मुख्यतः 16 मंदिरों का एक समूह था। अब इन 16 मंदिरों से जस्ट 14 मंदिर ही शेष बचे हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रवेश यहाँ पे नौठा कौतिक के मौके पे। सबसे पहले जो आपको दिखेगा, भगवान गौरी शंकर का मंदिर दिखेगा। ये गौरी शंकर मंदिर है, और जो उसके बाद जो है कि भगवान विष्णु का बहुत ही सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर देखिए। और जो भगवान विष्णु के मंदिर के सामने है, ये भगवान गरुड़ का मंदिर। इसके बाद जो आप ये हॉल देख रहे हो, यहाँ पे पहले भागवत हुआ करता था जब हम बचपन में आते थे। और ये जो पूरा मंदिर है, AIC के अंडर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका टेक केयर करती है। और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक मंदिरों का एक समूह है। तो इन मंदिरों में मुख्यतः भगवान सत्यनारायण जी का मंदिर, लक्ष्मी जी का, अन्नपूर्णा, चकभान, कुबेर, राम लक्ष्मण सीता, काली माता, भगवान शिव, गौरी शंकर एवं हनुमान जी की मूर्ति, इन सभी देवी देवताओं को यह मंदिर समर्पित है। जैसे कि आप अब आगे देखोगे, यहाँ पे जो एक्चुअल आदि बद्री मेला है वो उसका शुभारंभ हो रहा है। मैंने पूरा मंदिर का बारे में आपको बताया, और अब जो ये गाना देखोगे आप, झोड़ा गीत, उसके बाद यहाँ पे जो कल्चर है इनका, अलग अलग सुर ताल में इनका अपना ये नृत्य होगा, डांस होगा, उसके बाद फिर झोड़ा गीत होगा, मंदिर के दर्शन होंगे। और आप इसको देखते रहिए, इसमें डिस्क्रिप्शन काफ़ी कम होगा, बट इसका म्यूजिक ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको समझो, इसको आनंद लो। आदि मान्यताओं के अनुसार आदि बद्री मेले में जो ढोल दमाऊ आते हैं, वो ग्राम खेती से आते हैं। सो आप देखोगे जो ये लोग डंडे और लाठी लेके आ रहे हैं, ये ग्राम खेती रंडोली के वासी हैं, जिन्होंने यहाँ के कल्चर को अभी भी जिंदा रखा हुआ है।
यह आदि बद्री का मुख्य मार्केट।